हेलो दोस्तों, आपके इंडियन राज व्लॉग और एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो सेंटर गवर्नमेंट के उसके लिए और महाराष्ट्र पुलिस झड़पी आरोग्य एमआईडीसी के लिए उपयुक्त करण क्यूज 4 जो डेली चलता है अपना। पहला सवाल, पीएम मोदी ने हाल ही में ब्रिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके लेखक कौन है? वो एन चंद्रशेखर राव, रूपा पुरुषोत्तम है। दूसरा सवाल, FATF ने हाल ही में किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? वो श्रीलंका को कर दिया है, जो ग्रे सूची है उससे बाहर श्रीलंका को कर दिया है। तीसरा सवाल, हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने? उसका आंसर है लियोनल मेस्सी। चौथा सवाल, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। पांचवा सवाल, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 102वां स्थान मिला। छठा सवाल, इंडिया एनर्जी फोरम ने जिस शहर में न्यूक्लियर एनर्जी कंक्लेव 2019 का आयोजन किया, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम नई दिल्ली है। सातवां सवाल, जिस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य डॉक्टर YSR नवोदय योजना लॉन्च की, वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आठवां सवाल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपनी टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया, वो रोहित शर्मा ने जड़ दिया। नौवां सवाल, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? वो 68वां स्थान मिला, 68वां स्थान मिला। दसवां सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली की समस्या से निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम है प्रकाश। ग्यारहवां सवाल, हाल ही में IIFA अवार्ड यानी कि आईफा अवार्ड्स 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? वो राजी फिल्म को मिला। बारहवां सवाल, हाल ही में 12 अक्टूबर 2019 को कामिनी राय की जयंती मनाई गई, वो कौन थी? उसका आंसर है वो प्रसिद्ध बंगाली कवियत्री थी। ऐसे ही डेली क्विज देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।